मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ और अपना नाम बताएं पहले। आपका नाम क्या है भाई साहब? सर, मेरा नाम आसिफ है और मैं आसाम से बोल रहा हूँ। आपका नाम आसिफ है, आसाम से बोल रहे हैं। बोले, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या सवाल पूछने के लिए आपने मेरे को कॉल किया? जी सर, मैंने बहुत दिन से कोशिश कर रहा था 2011 से, तो कनाडा के लिए, मतलब कनाडा के लिए कोई चांस, अगर मतलब कोई वर्क परमिट कैसे हासिल करता है उसके लिए कोई जानकारी के लिए सर आपको फोन किया। मेरे पास वर्क परमिट की कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मेरे पास जॉब ऑफर नहीं है। और आपको अगर काम करने के लिए जाना है तो आपको पहले जॉब ऑफर ढूंढना पड़ेगा, और जॉब ऑफर आप ढूंढें चाहे तो अपने कोई, आपको कोई जानता हो कनाडा में, कोई दोस्त अगर वगैरह हो या कोई रिश्तेदारी हो, उनसे पूछें। और बाकी और कोई तरीका नहीं। आपका क्या जॉब एक्सपीरियंस है, क्या करते क्या आप यहाँ पर आसाम में? सर मैं सऊदी में था, 7 साल सऊदी में रह के आया हूँ। अभी छुट्टी पर आया था, वो तो वापस नहीं गया, तो मेरा मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि आपका एक्सपीरियंस किस चीज़ का है, क्या जॉब करते हैं अभी आप? मैं सर मार्केटिंग लाइन में था, मार्केटिंग में सर सेलमैन का था, फिर स्टोर में भी काम किया, दोनों जगह में मिला के करता था उधर। मार्केटिंग एंड सेल्स, सेलमैन था सर। अच्छा, तो वर्क परमिट मार्केटिंग और सेल्स के लिए कनाडा में मिलना तो आप छोड़ ही दो, आपको यहाँ से रख लिया। ऐसा कोई, अगर कोई टेक्निकल होता तो शायद सोच सकते थे, लेकिन मार्केटिंग और सेल्स करने के लिए मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं है कि सेल्समैन के लिए कोई LMI अप्लाई करके कोई जॉब वीज़ा निकाला है किसी को, ऐसा होने वाला नहीं है। तो आप उसका ख्याल ही छोड़ दो। आपकी एजुकेशन क्या है? सर मैंने तो 9 पास तक किया है सिर्फ। हाँ, फिर आप छोड़ दो यार, क्या करोगे कनाडा छोड़ के? आपको कनाडा होगा नहीं, कोई ना कोई एजेंट आपको फंसा लेगा पैसे के चक्कर में। 9th पास में कुछ और होने वाला भी नहीं है, जॉब मिलने वाली नहीं है। आई थिंक यू शुड फॉरगेट योर यू नो आइडिया, ड्रॉप करो आइडिया थोड़ा कनाडा जाने का। और अगर आपको सऊदी मिडिल ईस्ट में अगर जॉब मिलती है तो वहाँ निकल लो, नहीं तो आसाम में ही काम करो अभी। हाँ सर, सर एक चंडीगढ़ से जो आदमी लोग बोलता है ना, एक लड़की मुझे 3 दिन से फोन कर रहा है, बोलता है कि फोटो तीन को भी भेजो और कोई काम कनाडा के लिए, कोई हाउस कीपिंग का काम है, एयरपोर्ट का काम है, ऐसे ऐसे बोल रहा था ये लोग। ये ये तो सब सच होता है? झूठ है। आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, मेरे को तो अभी तक कोई असली कोई मिला नहीं है। और चंडीगढ़ से अगर फ़ोन कर रहे हैं, मोहाली से फ़ोन कर रहे हैं जॉब के लिए, तो उस लड़की से बोल, पहले आप ये पूछ लो कि लड़की भाई, तू कभी कनाडा गई है? आपको कनाडा का जॉब ऑफर कहाँ से मिला? आप लाइसेंस्ड हो कि नहीं हो, उससे मालूम पड़ जाएगा। ये सब आप छोड़ो, ये सब कुछ निकलने वाला नहीं है इसमें। पैसे जितने आपने बचाए हैं वो भी चले जाएंगे। तो सर अभी से उन लोग से बात नहीं करेंगे, फोन करेगा तो मैं सीधा ना कर देंगे। करना चाहिए आपको, ना करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल आपको मेरे से पूछना है कि नहीं? ऐसा एवरीथिंग गुड। लास्ट सवाल सर ये है कि क्या हम लोग नहीं जा सकते उधर, कोई ऐसा दूसरा कोई चांस ऐसा नहीं मिलता है उधर? जाने को तो लोग जाते ही हैं। जाने के लिए आपको समझना चाहिए कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। या तो आपके पास बहुत अच्छी कोई डिग्री हो, कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तब आप PR पे जाएंगे। नहीं तो ऐसे कोई टेक्निकल स्किल्स हो, कोई ऐसी कोई आपके पास कोई हुनर हो जिसको लेके कोई कनाडा का कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर दे। सेल्समैन के लिए कैसे जॉब ऑफर देगा आपको? सर कोई मतलब मेरा मतलब है कि सिर्फ मैंने 9th, मेरे स्कूल ज़्यादा नहीं पढ़ा है, कॉलेज तक नहीं पढ़ा है, बाकी तो सर डॉक्यूमेंट में निकाल लूंगा सर जितना लगता है। डॉक्यूमेंट क्या निकालोगे यार, निकालना कहाँ है डॉक्यूमेंट, जब आपके पास होगा तभी तो निकलेगा, कहाँ से अलग से निकालोगे? और उतने डॉक्यूमेंट से होना होने वाला भी नहीं। अगर आप 12वीं तक भी निकाल लोगे और उसके आगे कुछ निकाल लोगे, तो आप समझ लो कि सेल्समैन की और मार्केटिंग की जॉब के लिए फॉरेन वर्कर का, मैंने तो अभी 12-13 साल में आज तक कभी देखा नहीं है कनाडा में कि ऐसा किसी का आया हुआ है। अनलेस कोई बहुत ही स्पेशलाइज कोई चीज़ हो, बहुत यूनिक अगर सेल्स की हो, तब तो शायद हम मानने को तैयार हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के आने वाला नहीं है। तो आप किसी के झांसे में चक्कर में ना आए आप। ठीक है सर, और बताएं सब। हाँ बताएं जी सर। नहीं मेरा मतलब मैं यही पूछना था, लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ। मेरा कोई लालच नहीं है इससे, आपसे आपकी परमिशन लेके आपकी आपके YouTube यहाँ पर लोग देख रहे हैं, और लोगों को, और भी लोगों को पता लगेगा कि भाई सच्चाई क्या है। और
मेरे को तो आपसे कोई पैसा कमाना नहीं है कि मैं आपसे बोल दूं कि नहीं जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ जो सच्चाई है, प्रैक्टिकल ट्रूथ में बता रहा हूँ आपको। बाकी हाँ जी आप एक किसी के चक्कर में मत आ जाना, कोई कह जी 25,000 जमा कर दो, फलाना कर दो, तो और पैसे वो चले जाएंगे। अच्छा ठीक थैंक है सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, यू। आपने बहुत बताओ। जानकारी दिया हमको। ठीक है सर।